गाइज, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं लेकर आ गया हूँ। खुशखबरी ये है कि यूपी ट्रिपल एससी प्री एग्जामिनेशन टेस्ट 2022, जिसे आप पेट के नाम से जानते हैं, उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है आज से ही, यानी 28 जून से ही। आज यानी 28 जून को दोपहर के 2:55 पे ये जॉब पोस्ट की गई है www.sarkaririzult.com पर। बेसिक डिटेल्स मैं आपको यहां पर बता देता हूं, उसके लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी प्री एग्जामिनेशन ये आखिर होता क्या है। उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जितनी सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, तो उसके लिए जरूरी है कि कैंडिडेट को पेट पास होना चाहिए। पेट सबसे पहले क्वालिफाई होना चाहिए, तभी उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट जॉब होंगी उनके लिए वो आवेदन कर सकता है, उनके लिए वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके लिए जो एप्लीकेशन बिगिन हो रहा है आज, यानी 28 जून से ही स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट होगी वो होगी 27th of July 2022, 27 जुलाई 2022 तक आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट फॉर फीस सबमिट करने की, फीस जमा करने की जो आखिरी तारीख होगी, लास्ट डेट होगी, वो भी होगी 27th of July 2022, 27 जुलाई 2022। ओके, करेक्शन लास्ट डेट, फॉर्म में कोई भी आपको करेक्शन करना है, फोटो चेंज करना है या जो भी करेक्शन आपको करना है, तो उसके लिए जो लास्ट डेट होगा वो 3 अगस्त 2022, यानी 3 अगस्त 2022 तक करेक्शन आप कर सकते हैं। एग्जाम डेट जो होगी सितंबर में होगी, और एग्जाम होने से कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा ऑनलाइन। ओके, और इसके लिए जो फीस है, करने के लिए जो फीस है, अगर जनरल ओबीसी, जनरल या ओबीसी है आप, तो ₹185 आपको फीस सबमिट करनी है ऑनलाइन। ओके, और अगर आप एससी या एसटी हैं तो ₹95 आपको फीस सबमिट करनी है, और दिव्यांग के लिए ₹25 फीस सबमिट करनी है। ओके, और इसमें आपको एज में आपको बता दूं, एज मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। इसके लिए सरकारी नौकरियों में जो उम्र से संबंधित छूट के लिए जो नियम है वो यहां पर भी लागू होंगे। प्रॉपर डिटेल्स इसके लिए आप पढ़ना चाहें तो www.sarkaririzult.com पर जाकर इसकी पूरी नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में या इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं वहां से। ओके, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम हाई स्कूल तो पास होना ही चाहिए, और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी भारतीय यूनिवर्सिटी से, इंडियन यूनिवर्सिटी यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी हायर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, मिनिमम जो गवर्नमेंट जॉब होती है वहां पे मिनिमम कुछ जॉब ऐसी होगी जिनमें मिनिमम हाई स्कूल मांगता है, और कुछ जॉब ऐसी होगी जिनके लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर 12th मांगता है। ठीक है, तो इसीलिए जो पेट एग्जाम लिया जा रहा है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल तो होना ही चाहिए, और इसके साथ आपका हायर क्वालिफिकेशन होता है तो और भी बढ़िया रहेगा, ताकि और सरकारी नौकरियों के लिए भी आप एलिजिबल हो सकें। तो आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने उन सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।